हेलो गाइस, वेलकम टू बिंटू शूट्स। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ASUS ZenFone Max Pro M1 स्मार्टफोन का 4GB मॉडल बढ़िया है या आपको 6GB मॉडल का वेट करना चाहिए, इनमें फ़र्क क्या है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, Redmi Note 5 Pro में भी 4GB और 6GB के दो मॉडल्स आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो फ़र्क है दोनों फ़ोन्स में वो सिर्फ और सिर्फ रैम का है। बाकी किसी भी बात का फ़र्क नहीं है Redmi Note 5 Pro के दोनों मॉडल्स में। और वहाँ पे जो प्राइसिंग का डिफरेंस है वो 3000 का है। 14000 में 4GB मॉडल आता है और 17000 रुपये में आपको 6GB मॉडल मिलता है Note 5 Pro का। तो सिर्फ 2GB रैम के लिए ज़्यादातर लोगों को रिकमेंडेड नहीं था वो फ़ोन। लेकिन जब ZenFone Max Pro M1 की हम बात करते हैं तो 4GB 64GB वाला मॉडल आता है आपका 13000 रुपये की प्राइस में, और 15000 रुपये की प्राइस में 6GB 64GB वाला मॉडल आता है। 2GB रैम एक्स्ट्रा होने के अलावा 6GB वाले मॉडल में आपको मिलेगा फ्रंट कैमरा में भी अपग्रेड है। जहां 4GB वाले मॉडल में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता था, यहां 6GB मॉडल में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। और बैक साइड में भी 4GB मॉडल में आपको 13MP और 5MP के ड्यूअल कैमराज मिलते हैं, लेकिन 6GB मॉडल में 16MP और 5MP के रियर कैमराज मिलेंगे। तो ना सिर्फ आप 2000 रुपये एक्स्ट्रा अगर देंगे ASUS ZenFone 6GB मॉडल के लिए, तो रैम के अलावा आपको बेहतर कैमराज मिलेंगे। और फ्रंट कैमरा जो 16MP का है, उसकी परफॉर्मेंस देखने में मैं भी पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, और मेरे हिसाब से वो बेहतर परफॉर्म करेगा अभी वाले मॉडल्स के कंपेरिजन में। 3GB 4GB वाले जो मॉडल हैं वो बहुत अच्छे हैं अपने प्राइस पॉइंट पे, लेकिन जो उनके फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी मीडियोकर है। वैसे तो ASUS का कहना है कि वो फ्यूचर अपडेट्स के साथ इन कैमराज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों जो 6GB वाला 16MP का कैमरा क्वालिटी देगा वो तो 8MP का कैमरा नहीं दे पाएगा। प्लस जो क्वालिटी Note 5 Pro के 20MP के फ्रंट कैमरा में मिलती है, वो क्वालिटी तो मुझे नहीं लगता कि 8MP के ZenFone के कैमरा दे पाएंगे इम्प्रूवमेंट के बाद भी। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 15000 है और आप सोच रहे हैं कि ZenFone का 4GB 6GB वाले में से कौन सा मॉडल लें, तो मेरे हिसाब से आपको वेट ज़रूर करना चाहिए और 6GB वाला मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि उसकी कैमरा परफॉर्मेंस ही अल्टीमेट हो जाएगी और वो ट्रूली टक्कर दे पाएगा Redmi Note 5 Pro को। गाइस, 4GB 6GB फ़र्क के अलावा बाकी और कैमरास के अलावा बाकी तो सारे फीचर्स सेम ही हैं दोनों मॉडल्स में। और मैं इनके बारे में क्या मेरी ओपिनियन है वो मैं ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, जिसका कार्ड आपको ऊपर मिल जाएगा। उसमें मैंने बाकी सारे रीजंस टू बाय एंड नॉट बाय डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को। कोई डाउट है आपका तो कमेंट करिएगा नीचे, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर।